भारतीय गोरखा संगठन के अंतर्गत कूड़ाघाट स्थित एक निजी लॉन में हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडे ने भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की। भादो मास की तृतीय को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने 3 दिवसीय अखंड तप किया था, जिसके कारण उनको शिव की प्राप्ति हुई, जिसके उपलक्ष्य में हरियाली तीज का व्रत सभी महिलाएं रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्या योग वर के लिए व्रत रखती हैं, जिसको देखते हुए गोरखा महिलाओं ने भी व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना की है। वहीं इस संबंध में ममता थापा ने बताया कि कुंवारी नेपाली महिलाएं अच्छा पति पाने के लिए व्रत रखती हैं तथा सुहागिन महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए व्रती गोरखा महिलाओं एवं पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा, अपने सुहाग के लिए, लंबी आयु के लिए, उनको पाने के लिए कन्या लड़कियां रखती हैं कि अपने अच्छा जीवन साथी पाने के लिए, और जो सुहागन है वो अच्छा अपना सुहाग एक लंबी आयु के लिए रखती हैं इस व्रत को, तीज के व्रत को। जी पूर्णिमा, ये व्रत माता गौरा ने शंकर जी के लिए रखा था, और हरतालिका का मतलब है पार्वती जी को उनकी सखियाँ हर के लेके गई थी वन में, इसलिए इसे हरतालिका तीज कहते हैं। और इसका बहुत महत्व है हमारे गोरखा समाज में भी। हम लोग सुबह से ही नीराजली व्रत रखते हैं और शाम को पूजा करते हैं, सुहाग चढ़ाते हैं, फिर अगले दिन जल पीकर पारण करते हैं, पूजा करते हैं। बस सालों आज के दिन सुहाग के लिए, सुहाग के लंबे आयु के लिए व्रत रखते हैं, पानी पीते हैं, बस वही है। पता, मेरा नाम सुधा थापा है। हम नेपालियों का ये तीज त्यौहार है, हम लोग नेपाल में से और भी धूमधाम से मनाते हैं। और यहाँ पे मिस्टर तारा छेत्री के सब, मतलब उन्हीं के कारण हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और तीज का त्यौहार का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और हम लोग यहाँ जितने भी सारे लोग एकत्रित हुए हैं वो मिस्टर तारा छेत्री हैं, उनकी वजह से, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भादो मास की तृतीया को शिव जी को प्राप्त करने के लिए गौरी जी ने बहुत बार 3 दिवसीय अखंड तप किया था, और आज उसी लिए उन्होंने शिव की प्राप्ति उन्हें हुई, और उसी के बाद से ये हरतालिका तीज का व्रत हम सब महिलाएं रखती हैं। आज के दिन कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं, कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए, और सौभाग्यवती महिलाएं
अपने पति के अपने सौभाग्य की कुशलता के साथ साथ सकल परिवार की कुशलता के लिए आज ये निराजल व्रत रहा जाता है। मैं आज के दिन इस कार्यक्रम में आज भारतीय गोरखा संगठन ने यह हर वर्ष की बात इस वर्ष भी कार्यक्रम किया, मुझे आमंत्रित किया। मैं सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।